लेकिन संविधान के नियमों का पालन करें वो क्या होगा, गैर संवैधानिक। आज संवैधानिक का मतलब संविधान में तो नहीं है, और उसके साथ साथ संविधान का क्या करें, विरोध करें, वो क्या होगा, असंवैधानिक। अब यहाँ से मुद्दा आया कि ये जो निर्वाचन आयोग है, ये जो निर्वाचन आयोग है, क्या है कहने का मतलब, इसका उल्लेख कहाँ पर है, भारतीय संविधान। तो भैया निर्वाचन आयोग कैसी संस्था होगी, कंप्लीट हुआ, संवैधानिक गैर संवैधानिक समझ पाए, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। यहाँ पर बैठा कोई व्यक्ति जो न समझ पाया तीनों में अंतर, कोई है ऐसा, बैठे ना रहो इतने कष्ट में बैठे हो, बातें पूछना जरूर, जहाँ पर डाउट हो पूछ ले। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, एक बार सर रिपीट कर दीजिए, पूरी बात इसीलिए कह रहे हैं, रिपीट करने के मतलब बहुत ज्यादा ताकत लग रही है। हाँ सर, हमारे खड़े रहने लगे, पूछो जहाँ डाउट हो वहाँ, नहीं होगा, हम चाहे तो 5 साल में सरकार बदल सकते हैं, बदल सकते कि नहीं बदल सकते, आप चाहो तो अबकी बार साइकिल में बैठ जाओ, चाहो तो हाथी में बैठ जाओ, नहीं तो झाड़ू लगाओ, आप कुछ भी कर सकते हो ना भाई। बार तो आपको कमल का फूल लग रहा है कि हमारी भूल थी तो आप सुधार कर सकते हो, और लग रहा है कि कमल का फूल सही था तो आप उसको जिता सकते हो। आप कहने का मतलब कि आप शिक्षित होंगे, क्या कर सकते हो, परिवर्तन ला सकते हो, क्या ला सकते हो, परिवर्तन ला सकते हो। तो ये सब क्यों पढ़ते हो, इसीलिए तो करते हो। अब आपसे और कहा गया इसमें जैसे क्वेश्चन आया था कि मतदाता भैया मताधिकार, मताधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, मताधिकार दीदी सुनो बच्चा, मताधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, मताधिकार एक मूल अधिकार है, मताधिकार एक विधिक अधिकार, यही क्वेश्चन था। अब बताओ इसमें क्या होगा, विधिक अधिकार है, हम लोगों को तो यही लगता है संवैधानिक अधिकार संवैधानिक अधिकार, लेकिन बच्चा ये एक विधिक अधिकार कैसा है, आपको पता है जैसे किसी को भैया समाप्त कर दी जाए, तुम 18 नहीं 36 साल के हो जाओ, वोट डाल सको, तो भैया वोट डालने के लिए भी आपको भारत सरकार को